गुड मॉर्निंग क्लास आरसी गुरुकुल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है ये टाइम होता है केमिस्ट्री क्लासेस का। आज केमिस्ट्री में हम नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर है। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरण, यानी कि रासायनिक सूत्रों के बारे में जानेंगे। रासायनिक सूत्र होते क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, यानी कि हेडिंग है हमारा रासायनिक सूत्र। यानी रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। कहने का मतलब है किसी भी जो तत्व होंगे उनके जो प्रतीक होंगे, प्रतीकों का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसे ही क्या कर, और उसके जो अणु को प्रदर्शित करने का मतलब अणु को व्यक्त करेगा, दिखाएगा आपको, उसे उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे जैसे अमोनिया यौगिक का रासायनिक सूत्र, यानी अमोनिया है आपका यौगिक हो गया अमोनिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NH3। NH क्या हो गया आपके? प्रतीक हो गए। और अणु आपके क्या हो गए? जैसे कि हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन N क्या हो गया? नाइट्रोजन इसका 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके अणु होते हैं, ये आपके प्रतीक हो गए। जैसे NH क्या है? ये प्रतीक आ गए। नेक्स्ट है आपके रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक सूत्र हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है ना मूलानुपाती सूत्र, ये मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, इसे मूलानुपाती सूत्र भी कह सकते हैं या सरलतम सूत्र भी कह सकते हैं। दूसरा था हमारा अणुसूत्र या आणविक सूत्र, अणुसूत्र भी बोल सकते हैं इसे, आणविक सूत्र भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र दे या सरलतम सूत्र, इनका मतलब एक ही एक के बीच में यह है। दूसरा अणुसूत्र या आणविक सूत्र, अणुसूत्र भी दे सकता है या फिर बोल सकता है कि आणविक सूत्र किसे कहते हैं या इसके बारे में समझाइए। थर्ड है आपका संरचना सूत्र, यानी कि संरचना सूत्र है, यानी कि फिगर वाला। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने पहला हमारा पॉइंट क्या था, यानी क्या था? मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। तो मूलानुपाती और सरलतम सूत्र किसे कहते हैं, ये देखिए। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक अथवा मूलक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सरल अनुपात या परमाणुओं की अपेक्षित संख्या का ज्ञान होता है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी आपने यौगिक ले लिया जिसका यौगिक या मूलक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात हो या परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, दोनों का ज्ञान हो, दोनों में से किसी का भी हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, नहीं हमें पता होना चाहिए, अपेक्षित संख्या का ज्ञान होता है, मूलानुपाती या सरलतम सूत्र कहलाता है। जैसे जैसे हमें हमारा एथेन है, एथेन का सरलतम सूत्र क्या होता है? CH3। वैसे आपको पता है C2H6 है, लेकिन इसका सरलतम सूत्र और मूलानुपाती सूत्र है CH3, जो यह व्यक्त करता है कि एथेन में क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु है। तो किससे बनी है एथेन? आपके कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये आपके प्रतीक हो गए इसके। और आपको अगर अनुपात निकालना है तो कार्बन का हमारा यहाँ पर कितना है? 1 और हाइड्रोजन का 3। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु 1:3 के अनुपात में उपस्थित है, यानी कि इसमें 1:3 में है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, मूलानुपाती सूत्र हमने समझ लिया। अब हमारा है अणुसूत्र या आण्विक सूत्र। अणुसूत्र और आण्विक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु, यानी कहने का मतलब क्या है? किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या का ज्ञान होता है। कहने का मतलब ज्ञान होने का मतलब हमें पता होता है, अणुसूत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाएंगे? अणुसूत्र। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में आप जैसे है आपका बेंजीन, बेंजीन का आपको पता है क्या होता है? C6H6। तो इसमें आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या होते हैं? बराबर हैं दोनों में परमाणु संख्या। तो इसमें बेंजीन के एक अणु में कार्बन तथा हाइड्रोजन, यानी कि सी और एच, कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रत्येक में 6 परमाणु उपस्थित हैं। कहने का मतलब है 6 परमाणु आपके कार्बन के भी हैं, 6 परमाणु आपके हाइड्रोजन के भी। अब इसका अणुसूत्र निकालते हैं। अणुसूत्र आपको कैसे निकालना है? देखो सबसे पहले था अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र आपके, और ये सफिक्स में क्या है आपका? स्मॉल एन। एन आपके क्या होते हैं? एन आपकी पूर्ण संख्या होती है, जो वो आपको मूलानुपाती सूत्र में दे के रखे हैं। पूर्ण संख्या आपकी 1, 2, 3, 4 एंड सब कितनी भी हो सकती है, जो भी होंगी उसमें पहले मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे रखी है, और सफिक्स में क्या रखी है? हम एन की वैल्यू जो भी आपको दे के रखना है, जो भी आप निकालोगे, ठीक है। तो आज हमने बच्चों क्या जाना? रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ा है, मूलानुपाती सूत्र, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है, और आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। आज हमने क्या पढ़ाया है और उसके आगे मूलानुपाती सूत्र के बारे में समझाया और अणुसूत्र के बारे में समझाया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये सारा वर्क आप अपने प्रिय नोटबुक में साथ ही साथ कीजिए। जिसकी भी कोई दिक्कत परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आता है, वो हमारे चैनल के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।